तो हेलो बच्चों, तो नवाभा यूट्यूब चैनल के बोडाभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आपका क्लास 10th का आपका मॉडल पेपर आ गया है, तो हम यहाँ पे जो आपका साइंस सब्जेक्ट का पेपर है विज्ञान का, उसका पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, है ना। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ, तो आप इसी आधार पर समझ लीजिएगा कि इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, है ना। और जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मैं यहाँ पे सारे कवर करूँगा। तो जितने भी मॉडल पेपर मैं कराऊँगा सभी के सभी आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको फ़ायदा रहेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दो चैनल है हमारे, नवाभा और बोडाभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि जितनी भी अपडेट है आपको मिल सके। अगर अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो के अंत में दोनों दिखेंगे चैनल, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो वहाँ पर दिखेगा ही, और सभी वीडियो को देखिएगा पूरा आप समझिए, तो वहाँ पर दोनों चैनल दिखेगा, दोनों को वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियो को पूरा देखें। यही मैं कहूँगा, कोई भी मॉडल पेपर को आप मिस ना करें। जो बच्चे जितना भी मॉडल पेपर मिस कर रहे हैं समझिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो छोड़ रहे हैं, है ना, एग्जाम की दृष्टि से। और सभी मॉडल पेपर को हमारे साथ पूरा कीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैं बता दूं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़ जाएं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नोटिस रहते हैं। तो आप उस टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है ग्रुप का, अगर लिंक से बहुत बच्चे नहीं जुड़ पा रहे लिंक से, तो उसका नाम भी आप लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्या लिखना है, बोर्ड आभा, BORD, बोर्ड लिखना है, उसका स्पेस देना है, फिर आभा लिखना है, AABHA, बोर्ड आभा जो चैनल का नाम है, उसके बाद वही लाइन में लिखिएगा, थोड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिएगा और यहाँ जैक लिख दीजिएगा, है ना, और फिर बोर्ड स्पेस देके जैक, BORD, बोर्ड, तो बोर्ड आभा, जैक बोर्ड आपको लिखना है तो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएँ। तो चलिए, हम आपको जो साइंस का पेपर है उसमें हम बता दें कि आपका 18-9-27% रहेगा, पूर्णांक 80, मतलब फुल मार्क्स 80 का यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप ए और बी में यहाँ पे बांट दिया गया है। भौतिकी एवं रसायन है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में जीव विज्ञान है। यहाँ पे हम सेट वन करा रहे हैं, देखिए ध्यान से, और आगे की वीडियो में सेट टू सेट थ्री करा देंगे और बाकी सब्जेक्ट का भी हम करा देंगे। तो चलिए देखिए, भौतिकी एवं केमिस्ट्री का मैं करवा दे रहा हूँ ग्रुप ए। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, है ना। तो प्रकाश की किरणें किस तरह से गमन करती है यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधा गमन करती है। टॉर्च का जब आप लाइट जलाते हैं, पूरा विस्तार से समझा दे रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, टॉर्च को जब आप जलाते हैं, है ना, तो जब यहाँ पे स्विच देते हैं तो कैसे लाइट निकलता है, समांतर रेखाएं निकलती है। इसका एक और जांच आपने किया था कि अगर एक मोमबत्ती है और इसका लो जल रहा है ना, मोमबत्ती है ये, और तो उसको आप सीधा पाइप से ही देख सकते हैं, है ना, ये आपका क्रियाकलाप में दिया हुआ था। अगर आपका पाइप ऐसा रहेगा तो आप इस पाइप से इस मोमबत्ती को नहीं देख सकते हैं जलता हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो प्रकाश की किरणें हैं सीधी रेखा में गमन करती है। मैं उदाहरण के साथ बता देता हूं ताकि आपको सभी के कारण आपको पता रहेंगे, तो क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। तो इसका का ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का, ठीक है। चलिए सेकेंड में हम आते हैं बच्चों, निर्वात में बोल रहा है। तो पहला का आंसर क्या होगा, का मैं बता दिया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा ट्रेवल करता है लाइट। सेकेंड में देखिए, बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में आपको बता दें, वैक्यूम में जो होता है वो प्रकाश की जो चाल होती है, मतलब कि निर्वात में, वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट में रहना चाहिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकेंड में भी नहीं होगा, तो मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए। इसको हम यह भी कहते हैं कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर, है ना। लेकिन जब 300,000 किलोमीटर कितना होगा, 3×10⁶ मीटर, इस तरह में मीटर रहेगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब 10⁸ रहेगा तो 10⁸ में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, दोनों में मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, दोनों यूनिट में देगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर 3×10⁶ दिया है तो मीटर पर सेकेंड रहेगा, किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा, क्या रहेगा, किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 3×10⁸ रहेगा, कॉपी में उतारते जाइएगा, हम जब भी जितना भी मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं आप कॉपी साथ में निकाल के रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों को, जितने बच्चे हैं आप कॉपी निकालिए, नोट करते जाइए, और मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये भी सही होगा, और ये ऑप्शन में रहेगा तो ये सही होगा। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वाला मिल रहा है, देखिए 10⁸ वाला, 10⁸ तो नहीं है किलोमीटर में, 10⁶ है किलोमीटर में, यहाँ 10⁸ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, सेकेंड का, है ना। थर्ड में देखिए, पूछ रहा है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट आपको जो दिखेगा, अगर आप सामने लाते हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो मतलब कि आपकी जो आँखों हैं उस पर जोर पड़ती है, है ना। आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो मसल्स होती हैं, आँख की मसल्स, उस पर जोर पड़ता है,
उस पर भी दिया हुआ है प्रश्न, है ना। तो उसका कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीटर, इंच, ये सभी यूनिट आप याद रखा कीजिए। सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर और 25 सेंटीमीटर होगा, है ना, मीटर इंच में नहीं है। अगला चलिए, धारा मापने के लिए अंतर को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, एमीटर धारा मापती है, गैल्वेनोमीटर एक होता है ना, गैल्वेनोमीटर आपका हिंदी में लिखा होगा ऐसे करके, गैल्वेनोमीटर ये धारा को चेक करती है, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो अगर पूछेगा कि धारा को जांचने के लिए, है ना, तो धारा को जांचने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। लेकिन धारा मापने के लिए यहाँ पे पूछा गया बच्चों, तो क्या होगा, एमीटर, ठीक है। ये बताता है कि कितना मात्रा में बह रहा है, मतलब उसका माप बताता है एमीटर, है ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए। अगला देखिए, फिफ्थ में पूछ रहा है वी बाई आई का अनुपात क्या है। वी मतलब यहाँ पे वोल्ट होता है, पता होगा, है ना। तो याद रखिएगा, वी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, आई आर होता है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना। तो R यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रतिरोध ऑप्शन दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। वी इज इक्वल टू अगर आई आर है तो R बराबर हो गया ना, वी बाई आई, देखिए तो वी बाई आई दिया हुआ, तो क्या आंसर होगा, R, R मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न में चलिए, क्या देखते हैं, बोल रहा है Fe2O3 प्लस 2Al और फिर इधर दिया L2O3 प्लस 2Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, है ना, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो O3 वाला जो आपको जुड़ा हुआ Fe के साथ, आयरन के साथ जुड़ा हुआ, वो अब जाके एल्युमिनियम में जुड़ गया। देखिए आपने पढ़ा होगा मतलब कि जो आपका अभिक्रियाशील धातु है उसकी एक मतलब कि लिस्ट दी हुई है कि कौन सा धातु कितना अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित कर दे रहा है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगर ये वाला यहाँ पे जो जुड़ा हुआ रहेगा वो यहाँ जलाया जाएगा और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, तब होता है द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह विस्थापन हो रहा है ना बच्चों, सिर्फ O3 ही यहाँ पे इधर से इधर गया है Al के पास, तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिए। सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर कच्चा आम पूछेगा कच्चा आम में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। और जो फल खट्टे होते हैं तो सिट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिए। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में, जब दूध से दही बन जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सिरका का एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH होता है, है ना, CH3COOH। चलिए हम आगे चलते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपको पता ही होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, कहाँ पे छूट गया, हाँ सोडियम क्लोराइड होगा 3 का आंसर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगला चलिए क्या पूछ रहा है, किसी विलयन का pH का मान 5 है तो वह क्या होगा। मैं आपको एक pH स्केल बता देता हूँ। pH स्केल अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा pH स्केल, तो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, 7, याद रखिएगा 7। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, है ना। और इधर वाले क्या होते हैं, मात्रक 0 से लेकर 6 तक जो होते हैं, 7 तक। यहाँ पे अगर आपका बीच में है, मतलब 1 से लेकर 6 तक जो भी रहेगा तो वो अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा इधर जब रहेगा तो क्षार होगा। तो यहाँ मैं क्षार लिख देता हूँ, इधर क्षार होते हैं, है ना, इधर क्षार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इधर क्या होते हैं, अम्ल, ये याद रख लीजिए। तो 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार, समझ में आया। तो यहाँ 5 पूछ रहा है, तो 5 देखिए तो 7 से कम है ना, ये इधर आएगा, तो इधर क्या है, अम्ल होता है, इधर अम्ल होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। और इधर क्या होता है, क्षार होता है, तो ये अम्ल होगा, है ना, 7 से कम है, 5 6 जो भी रहेगा, 4 3, तो ये अम्ल है। और क्षार क्या होता है, 7 से ज़्यादा, और 7 अगर रहेगा तो क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, का आंसर इसका सही होगा, अम्ल होगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो 5वां का आंसर क्या होगा, इसका प्रचलित नाम क्या है बच्चों, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलिए, पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको याद रखना है कि हमेशा जो फॉर्मूला होता है F = R/2 होता है, है ना, फोकस हमेशा त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, याद रखिएगा। तो IF = R/2 होगा, है ना, क्यों होता है ऐसा, अगर आपका दर्पण है तो आपको पता होना चाहिए, चित्र के साथ में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे माना जाता है क्या, इसका वक्रता त्रिज्या, और उसके बीच में माना जाता है यहाँ पे फोकस। तो ये फोकस की दूरी आप देख रहे हैं, ये आधा रहती है, और ये जो इसकी दूरी है ये इसकी दुगुना रहती है। आवेश के SI मात्रक क्या है, फोर्थ में पूछ रहा है, तो क्या होगा, आवेश के SI मात्रक कूलम होता है,
ठीक है, तो कूलम इसका लिख दीजिएगा, है ना, कूलम, कूलम होती है, याद रखिएगा। आगे चलिए, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखिए पूछ रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन आपको तीन तरह का पढ़े होंगे, एल्केन इधर रहेगा, इधर एल्कीन रहता है, अरे एक अल्काइन होता है, ठीक है। तो पहले एल्केन का मैं बता दे रहा हूँ, सी एन एच टू एन प्लस टू होगा, नीचे टू जुड़ेगा, इसमें क्या होता है सी एन एच टू एन, ये याद रखिएगा। ये एल्केन का एक एल्कीन का होता है, एल्काइन का क्या होता है बाबू, बच्चों एल्काइन का क्या होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है। तो सारे का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तीनों में से कोई भी पूछेगा आप एग्जाम में लिख लेंगे, तो सभी का आप लिख लें, नोटबुक में उतार लें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपको बताना है। ये सेवेंथ नंबर प्रश्न है, तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। जितना हो पा रहा है मैं सब्जेक्टिव का बता दे रहा हूँ, जो छोटा आंसर है, बड़ा वाला आपको खुद करना है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको लिख लेना है, पहला नियम मैं बता रहा हूँ, पहला नियम आप लिख लीजिए ऐसे करके। तो पहला नियम मैं बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिखिएगा मेरे साथ साथ, क्या लिखना है, आपतित किरण, आपतित किरण पता है जो गिरती है किसी भी सतह पर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो क्या लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों बिंदु है ना सभी एक ही तल पर होते हैं, क्या लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, थोड़ा लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल पर होते हैं, ये लिख लिए होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए कि परावर्तन कोण, दूसरा लिखवा रहा हूं मैं कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण को अगर हम आर से दिखाएंगे तो, और आपतन कोण को अगर हम आई से दिखाएंगे तो दोनों हमेशा क्या रहते हैं, बराबर, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, दोनों मैंने बता दिया। अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को बताना है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग में बता दे रहा हूँ कि टॉर्च में होता है, टॉर्च में अगर आगे आपने देखा होगा तो ऐसे रहता है और यहाँ पे बीच में लाइट रहता है, यहाँ बीच में मतलब बीच में गड्ढा रहता है, इधर उठा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे कौन सा लगता है टॉर्च में, अवतल दर्पण, गाड़ी के लाइट में भी अवतल दर्पण लगता है, तो आप लिख सकते हैं, और गाड़ी के हेडलाइट में लिख लीजिए, टॉर्च में लिख लीजिए, गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च, और किस में उपयोग होता है, देखिए दांत के डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो दांत के डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे फेस रहता है तो यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ रहता है इनका, है ना, देखे होंगे, तो जब वो दांत को देखते हैं तो दांत का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और वो बड़ा दांत देखते हैं वहाँ पे, है ना, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ आप लिख सकते हैं सौरभट्टी में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं, किन्हीं तीन चालक प्रतिरोध आपको दे दिया है, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन होता है, आपको पता होगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह करके होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक होता है पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में क्या होता है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो होगा R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसको कहते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तीन ठू दिया है ना आपको, तो क्या होगा 2 ओम प्लस 4 ओम और प्लस 6 ओम, तीनों को जोड़िएगा कितना होगा बच्चों, 4 2 6 6 12 होता है ना, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 ओम आपका आंसर इसका होगा, है ना। चलिए अगला हम देखिए क्या पूछा हुआ है कि सोडियम किरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसका कारण क्या है कि सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु होती है, सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु होती है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है ना। उसका पूर्ण विराम दीजिए फिर लिखिए, यह पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है ना, जो हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। उसके बाद लिखिएगा, वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्या पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है, इसलिए बहुत सक्रिय होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है, लिख लीजिएगा। चलिए
यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं कर दे रहा हूँ, एन टू प्लस एच टू यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन एच थ्री। कैसे करेंगे देखिए, तो पहले जो यहाँ पे ऑड रहता है विषम, उसको हम सम करते हैं। यहाँ पे देखिए विषम है यहाँ पे, तो इसको सम बना लेते हैं। तो कैसे सम बनाएंगे, यहाँ पे टू दे देंगे, दिख रहा है, यहाँ पे टू दे देते हैं। रुकिए कलर में चेंज कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे टू लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टू लगा दिए, तो टू लग गया। तो यहाँ पे देखिए एन का दो हो गया, तो यहाँ पे एन का दो है, दिख रहा है, यहाँ पे भी एन का, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, एन टू एच टू इधर क्या है, एन एच थ्री। तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया, तो एन टू और यहाँ पे भी एन टू हो गया, हो गया। यहाँ पे एच कितना है, एच थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, थ्री। तो ये बैलेंस हो गया आपका, है ना। तो क्या होगा, लिख दे रहा हूँ मैं बैलेंस करके सीधा, एन टू प्लस है ना थ्री एच टू, यहाँ क्या हो जाएगा, टू एन एच थ्री। तो इसको आप लिख लीजिएगा, बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये परीक्षा में हर साल आता है, मैं बोल दे रहा हूँ हर साल आता है, इसको फिक्स करके आप तैयारी कर लीजिए। अगला देखिए, बैलेंस करने दिया गया एफ ई दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एच टू ओ, और अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, एफ ई थ्री ओ फोर है ना, थ्री ओ फोर प्लस एच टू दिया हुआ है। इसको कैसे करना है, देखिए जितना भी ऑड है, ऑड कहाँ पे है, थ्री में दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे टू कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए इधर प्रोडक्ट में सभी क्या हो गए हैं, सभी हो गए हैं क्या, सम संख्या हो गए, सम सब, तो सम सम सब देखिए कि एफ ई का छः है, तीन और दो छः, तो यहाँ पे छः लगा दीजिए एफ ई के आगे, है ना, सिक्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, चार दूना आठ, और यहाँ पे ऑक्सीजन वन है, तो यहाँ पे भी आठ लगेगा। अब देखिए तो सब बैलेंस हो गया, एफ ई सिक्स है, एफ ई सिक्स है दोनों तरफ, और हाइड्रोजन आठ दूना सोलह है यहाँ पे, देखिए तो पीछे भी आठ दूनी सोलह इधर है, तो देखिए दो है, तो यहाँ पे आठ लगा देंगे, आठ दूना सोलह तभी होगा ना, आठ यहाँ भी लगेगा, और ऑक्सीजन देखिए आठ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी चार दूना आठ है, तो बैलेंस होके इसी तरह होगा। तो देख लीजिए, इस तरह से आप लिख लीजिए और इसी तरह से बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा हुआ है, एक धातु का नाम लिखना है और संकेत भी लिखना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जिसका संकेत भी मैं लिख दे रहा हूँ, एच जी होगा, है ना, जो क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है, एक ऐसी धातु का नाम लिखना है और संकेत भी लिखना है जो विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। तो विद्युत का सुचालक मैं आपको बता दूँ कि क्या होगा, तो विद्युत का सुचालक आपका होता है ग्रेफाइट। इससे अच्छा अलावा एक मैं और प्रश्न में भूल जा रहा था, मैं बता देता हूँ कि एक यहाँ पे धातु दी, अगर अधातु रहेगा, ध्यान सुनिएगा, अधातु, धातु का मरकरी होगा, मैंने बता दिया, आपने लिख लिया होगा, और अगर अधातु रहेगा तो एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन है ना, ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, अधातु, ये भी प्रश्न आता है, इसलिए मैं बता दे रहा था। अब देखिए एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जो विद्युत के सुचालक है, इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, आप लिख लीजिए। मैं दूसरा का आंसर बता रहा हूँ, ये अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, और ये कार्बन का एक प्रतिरूप है, तो सी होगा इसका संकेत। निकट दृष्टि दोष क्या है, ये आप अपने से पढ़िए, ये लेंदी क्वेश्चन है और आप अपने से कीजिएगा। इस निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष ये सब कर लीजिएगा। इसका संशोधन के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर उपचयन अपचयन की व्याख्या करना है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप मिला लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca होता है ना, और ऑक्साइड का O होता है, तो CaO हो जाएगा, सेकंड का मैं बताया। थर्ड का क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत ही आसान है, ये अम्ल है HCl, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है, Cu, कॉपर हो गया, और सल्फेट के लिए SO4 लगेगा, है ना, यहाँ पे दो दिखा रहा है ये अपना। चलिए अगला देखिए, दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र बताया पूछ रहा है। दर्पण सूत्र आप याद रख लीजिएगा, वन बाई भी है ना, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी का यूज करके बनेगा। और आवर्धन का सूत्र लिखना है, तो इन सभी चीज़ों को आप अपने से देख लीजिए। ओम का नियम हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ये वाला जो न्यूमेरिकल आया है, मतलब न्यूमेरिकल जो आया हुआ है, चार सेंटीमीटर साइज वाला बिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए, इस पर आधारित मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो मैं उसको जरूर कराऊंगा। कितने नंबर का ये प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, पाँच नंबर का, तो पाँच नंबर का है, तो देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ये मैं आपको करवाऊंगा, इसका आप चिंता मत कीजिए। जिनको जिनको वो वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए कि हमको प्रकाश का चाहिए, प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश का, जिसको जिसको प्रकाश का क्रैश कोर्स चाहिए वो कमेंट करे, अगर बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहेगा तो मैं प्रकाश पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओम का नियम भी लिखना है,
ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन किसको कहते हैं, इस पर आपको एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये वाला 1/r = 1/r, इसको प्रूफ करना है ना। धातु और अधातु में 5 अंतर करने हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। धातु में अघात वर्धि नेता होती है, अधातु में नहीं होती है। धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं, है ना। धातु क्या करते हैं, धातु 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 को जब जलाया जाता है, जब अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है, उसका क्षारीय होता है। और धातु को जब किया जाता है तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद कर लेनी है और लिखनी है। अब इनका संरचना सूत्र लिखना है तो चलिए लिख देता हूँ मैं। इथेनॉल का, इथेनोइक अम्ल का मैं लिख दे रहा हूँ पहले, ए नंबर का। इथेनोइक अम्ल का क्या होगा, देखिए इथेनोइक अम्ल का होगा, एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको। इसका संरचना सूत्र देखिए, हर साल आता है ये, मैं पहला का बता दे रहा हूँ, ये होगा, है ना। यहाँ पे ओ है, ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। एच होगा यहाँ पे, सी सी, है ना, फिर ओ एच यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी ऊपर एच होगा, यहाँ पे नीचे एच होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होगा। तो आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए अगला देखिए, अगला पूछ रहा है मीथेन। तो मीथेन आपको पता होगा क्या होता है, मीथेन, फिर होता है इथेन, फिर प्रोपेन। तो मीथेन में कार्बन की एक मतलब होता है CH4 होता है। CH4 को हम कैसे बनाएंगे, तो C के चारों तरफ H एकक दे देंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका संरचना सूत्र मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया मीथेन। प्रोपेन बोल रहा है, प्रोपेन में 3 होते हैं, है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन मैंने अभी बताया। तो इसका फॉर्मूला होगा C3H8 होगा, है ना। एल्केन है इसलिए एल्किन रहेगा तो C3H6 होता, लेकिन एन यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए क्या होगा C3H8। ये आपने ये सब पढ़ा होगा इसलिए समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत होगा। ये हर साल आता है, ठीक है। प्रोपेन इथेन मीथेन ब्यूटेन ये सभी याद रखिए आप। तो ये होगा इसका संरचना सूत्र। फिर पेंटेन बोल रहा है, यहाँ पे भी एन है तो क्या होगा, C5H12 होगा, 5 × 10 + 2, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसका भी सूत्र बना दीजिए आप ऐसे करके, है ना, सभी तरफ H जोड़ दीजिए। तो इसका भी बन जाएगा इस तरह से, तो आप बना लीजिएगा। और लास्ट में क्या बोल रहा है, बेंजीन। तो बेंजीन का मैं बता दे रहा हूँ, C6H6 होता है फॉर्मूला, C6H6। तो इसका कैसे हम बनाएंगे, देखिए एक सी यहाँ रखिए, एक सी यहाँ रखिए, एक सी यहाँ रखिए, एक सी यहाँ, देखिए छोटा चित्र बना देता हूँ मैं, एक सी है ये, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, एक जगह डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 जगह डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, 3 जगह सिंगल बॉन्ड, और सभी से एकक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ के दिखा दीजिए, सभी जगह एकक, सभी कार्बन से एकक ऑक्सीजन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी आप बना लिया, मैंने बना दिया है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क का आपको काम पता होगा, किडनी जिसको बोलते हैं, तो ये उत्सर्जन के काम में आता है ना। जितने भी रक्त में अशुद्धियाँ होती है, जो भी होता है, वो पेशाब के रूप में आपका निकल जाता है, मूत्र के रूप में, है ना। तो क्या होगा इसका, गाय आंसर होगा उत्सर्जन। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी, देखिए सपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। तो हम लोग मनुष्य क्या करते हैं कि पेड़ पौधे से उसका फल भाग निकाल के, तना भाग निकाल के, उसको सब्जी के रूप में, खाने के रूप में, चावल के रूप में, रोटी के रूप में, गेहूं को उसका तोड़ते हैं ना, तो उस तरह से निकाल के हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग विषम पोषी हुए, उसी का बनाया हुआ खाना हम लोग पका के सिर्फ खाते हैं। लेकिन सपोषी किसको कहते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं जैसे पौधे, और बाकी जो बच जाता है वो हम लोग के लिए छोड़ देते हैं। तो वो जो सपोषी पोषण के लिए जो खाना बनाते हैं, उनके लिए आपको पता होगा कि पत्ते में क्लोरोफिल होना जरूरी है, हरा चीज़, है ना। इसके साथ ही साथ अगर वो भोजन बना रहे तो सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल काम करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी लेना जरूरी है, तभी तो वो खाना बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों ऊपर चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये याद रखिएगा, जल के लिए होता है, जल का वहन करता है पूरे में, और ये खाने का, भोजन का, है ना, खाना या भोजन जो बोलिए। तो जाइलम यहाँ पे पूछा हुआ है तो क्या होगा, जल का वहन, याद रखिएगा। और भोजन का वहन क्या होगा,
फ्लोएम दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जल का वाहन। निम्न में मादा जनन अंग का भाग है नहीं है, तो अंडाशय मानव मादा जनन अंग में ही पाया जाता है, गर्भाशय और डिम्बवाहिनियाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनियाँ जो शुक्र होते हैं वो शुक्रवाहिका में ही बहते हैं, तो ये होगा पुरुष का भाग है। तो यहाँ पे ये ही आंसर होगा, ये मादा जनन अंग का भाग नहीं है। अगर चलिए गुड़हल किस प्रकार का पुष्प है, तो क्या होगा, द्विलिंगी है ना। तो याद रखिएगा कि द्विलिंगी होता है गुड़हल, चाइना रोज। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है बच्चों। बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जो कि मतलब अवशेष होते हैं सड़े गले हुए जिससे निकलता है। तो यहाँ पे कोयला होता है, कोयला लिख सकते हैं और साथ में लकड़ी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लकड़ी, प्राकृतिक गैस, दो मैंने यहाँ पे कोयला और लकड़ी भी भराएगा, कोयला और प्राकृतिक गैस और भी जो भी आपको दिखता है भर सकते हैं। रक्त के कोई दो कार्य आपको पूछा गया है, तो चलिए हम रक्त के कोई दो कार्य आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। तो आप नोट कर लीजिए उसको अपने। सबसे पहला काम रक्त क्या करता है, सुनिए, रक्त क्या करता है कि जितने भी आपका शरीर का जो तापमान होता है उसको बनाए रखता है। तो आप लिख सकते हैं, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, पहला आप लिख लिए होंगे। दूसरा लिखिए, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के सभी अन्य अंग तक पहुंचाता है। आपको पता होगा रुधिर क्या करता है, रुधिर रक्त को ही कहते हैं, वो ऑक्सीजन मिल जाता है उसमें और उसी से फिर सारे शरीर में पहुंच जाता है, कौन, ऑक्सीजन। तो आप लिख लिए होंगे कि ऑक्सीजन को पूरे सभी अंग में पहुंचाता है। दूसरा आगे लिखिएगा कि यह सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर उसे फेफड़े में पहुँचाता है। पहले ऑक्सीजन तो पहले सभी अंग में पहुंचाता है और सभी अंग से फिर क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको कहाँ पहुंचा देता है, फेफड़े के पास। तो क्या लिखिए, यह सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़े तक पहुंचाता है। ये लिख लिए तो आगे लिखिएगा कि यह, अगला मैं उपयोग बता रहा हूँ कि यह छोटी आँत में पचाए गए भोजन को सभी अंगों तक पहुँचाता है। तो क्या लिखना है कि पचाए गए भोजन को कहाँ पे पचता है, भोजन छोटी आंत में, क्या लिखिएगा, छोटी आंत में पचाए गए भोजन को सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने उपयोग बता दिया। अगला प्रश्न चलिए, दो ऐसे जंतु बताने हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर, तो ये क्या होगा, मेंढक, लिख लीजिए आप मेंढक और मछली, दो मैंने बता दिए, दो जंतु के नाम बता दिए। आगे देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैसे, ये आपको करना है। जैंगिक लनन के दो लाभ बताना है, स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण में चार अंतर मैंने बताया भी है, एक अंतर और आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और दो का नाम लिखने आया है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चित्र आते रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे श्वसन अंग का फेफड़ा का चित्र आता है, कभी कभी ऐसे करके रहेगा और उसमें नाम लिखना रहेगा। उत्सर्जन तंत्र का नाम लिखने आता है ना, पाचन मानव का ऐसे दिया हुआ रहेगा, पोषण तंत्र बता दे रहा हूँ, ऐसे करके फेस बना हुआ रहेगा अमीबा का, और यहाँ पे दिखाना रहता है अमीबा के सारे पार्ट को, इस तरह का भी प्रश्न आता है। एक होता है कि मानव शरीर ऐसे दिया हुआ रहेगा और उसका पूरा यहाँ पे आपको उसका हृदय वाला भाग दिया हुआ रहेगा, आलिंद, हृदय, वो सारे चीज़ आते हैं, हृदय वाला भाग देख लीजिएगा। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पोषण तंत्र, जिसमें गुद्दा, छोटी आँख, बड़ी आँख सब दिखाने आता है, तो आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मानव सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था इस तरह के प्रश्न आते हैं, कर लीजिएगा। और अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है, ये अथवा में पूछा जाता है, तो ये चित्र वाला आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बता दिया उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, पोषण तंत्र सभी का, श्वसन तंत्र सभी का बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मैंने सारी चीज़ों को कवर किया बच्चों, काफ़ी समय लगा इसको तैयार करने में, आपने खुद देखा होगा। तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी पॉपअप हो रहा होगा, दो चैनल अभी आपको दिख रहे होंगे बगल बगल, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, सभी सेट कराएंगे हम आपको एक एक करके, धन्यवाद।